कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है, कुछ तो इज्जत कर। काजल, ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची गाय को लग रही है। उसको बोल काम देख, दाग मत देख, मेरे काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के। रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा, तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा है तो मैं तो नहीं बदलने वाला, नौकरी बदल डालता। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दे। अपने हक का इतना ही है समझा, ये बचा हुआ मालिक को दे डाला, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे छिपका। चल ठेगे, चल ठेगे। ये गाड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी। ए, तू उसके पीछे कहाँ चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है, इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। ए, मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या कर रहे हो? क्या रे भाई, जंगल में पहली बार आया क्या? हाँ पहली बार है। ये काम करते पैसा मिलेगा ना? मिलेगा रे। धब्बा है तुम लोग, इतनी मेहनत से मजदूरी की तो के चार पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। क्या रे, क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? क्या साहब, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे। तो बकरियां है किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां लाए चराने के लिए? टी करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी, मेरे हिसाब से 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चराने आया है तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। साहेब इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, ना इतर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते कर, तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? गायर हलकर दिखता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल, इधर डाल और उड़ा इसकी कर। चल धर कर। चलो पता माल कहाँ है। गायर साहब, तुम इधर माल पकड़ने को आए या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आए? तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा, किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। पहले तो देखिए कितने खूंखार लग रहे हैं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है, इसकी बात सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। पानी लेके कहाँ रवाना कीजिए? मेरे को नहीं रहे,
इसको भी ला, देख बेचारा मार मार के थक गया है। माल कहाँ छुपा है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है यार मालिक, नाम बताओ उसका। और कौन रहेगा, वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। इसकी चलवी कैसे निकालनी मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या नाम है तेरा मुन्ना? केस जो बनाना है तुझ पर पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज।